वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। तो कैसे आप लोग, आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के बज रहे 8 और आज मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ। सुबह सुबह नहीं मतलब उठ गई हूँ। तो अभी मैं अपना बेड ठीक के अपने दे रही हूँ झाड़ू, और मेरे को थोड़ा सर्दी हो गया तो मेरे ब्लॉग को एडजस्ट कर लेना। और यहाँ पे 4 दिनों से बारिश हो रहा है, कल वेदर ठीक होगा मैंने मानसून में देखा था। तो चलो अपना रूम वगैरह साफ कर लेती हूँ। और आप लोग को पता नहीं होगा, मेरी मम्मी अभी नहीं है, बहुत दिन 3 दिन से नहीं है। मेरी मम्मी गई है गांव मासी लोग के साथ, तो अभी हम लोग ही सब रह रहे हैं। तो अभी हम लोग ही मतलब घर का काम वगैरह देख रहे हैं। मम्मी रहती है तो हम लोग को कुछ काम वगैरह करना नहीं पड़ता है। तो चलो आप लोग को हम रूटीन दिखाते हैं थोड़ा। ओके, तो व्लॉग को एंड तक देखना। और देखो धूप तो हो नहीं रही है, देखो कितना सारा कपड़ा ऐसे ही रखा हुआ है यार। क्या बोलूँ, धूप की वजह से मैं उतना एकदम, बारिश की वजह से मैं कपड़ा भी ड्रेस भी पहनने नहीं पा रही हूँ कि भीग जाएगा तो फिर कैसे सूखेगा ये वो। तो चलो मैं अपना घर में झाड़ू देती हूँ फटाफट। दिया और अभी हम जा रहे हैं इसको फुलाने के लिए। इसमें क्या है चलो दिखाते हैं, मुझे नाम तो नहीं पता। काजू, काजू कतली इसका नाम है आई थिंक। तो इसको ना हमें फुलाना पड़ेगा तो ये पूरा अपना रंग लाएगा। तो इसको मैंने ना इसको फुला दिया है पानी में, और इसका जो छिलका है वो हट जाएगा और हरा हरा हो जाएगा। ऐसे इसका मैं बनाने वाली हूँ बेसन का हलवा, तो इसीलिए इसको बोला है कि पानी फुला कर। झूठा बर्तन, तो अब बर्तन भी धोना पड़ेगा। चलो जो है ना वो चालू नहीं कर रहे बिकॉज इतना ठंडी है, तो फ्रिज क्यों चालू करे, 2 दिन से चालू नहीं हो रहा है तो पानी वगैरह भी ठंडा नहीं पी रहे। तो चलो अपने बर्तन को यू धो देती हूँ एंड आप लोग से मिलती हूँ। सारा काम हो चुका और मैं फ्रेश भी हो चुकी हूँ, आप लोग मुझे दिख सकते हो। और यहाँ पे अभी थोड़ा बारिश रुकी हुई है, पर धूप तो होगा नहीं मुझे पता है। तो चलो अब खाना वगैरह बनाते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं। आज मैं ब्रेकफास्ट में करूँगी मैगी। तो गाइस मैं बना रही हूँ यहाँ पर कढ़ी चावल, कढ़ी बना रही हूँ। और यहाँ पे है भिंडी का भुजिया, किसको अच्छा लगता है ज़रूर बताना। और यहाँ पे चावल बनकर हो चुका है रेडी, और यहाँ पे हमारा ये अभी फूल ही रहा है। तो चलो खाना वगैरह बना कर मिलते हैं आप। खाना बनकर हो चुका है रेडी, ये देखो कढ़ी है और ये है भुजिया, आप लोगों को पता है, और ये चावल। तो ये आज मैंने 3 चीज ही बनाया है। मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ बेसन का लड्डू, तो देखते हैं कैसा बनता है। तो ये है 1/2 kg बेसन, तो मैं आधा बनाऊंगी, आधा ट्राई करती हूँ, अगर अच्छा बनेगा तो नहीं फिर हम बनाएंगे। तो चलो इसे हम कैसे बनाते हैं ना, इसका रेसिपी हम शेयर करते हैं, क्योंकि मैं खुद फर्स्ट टाइम बना रही हूँ और मैंने यूट्यूब से ही देखा है। तो चलो, तो सबसे पहले हमने घी डाल दिया है, और घी बहुत ज़्यादा डालना पड़ेगा। मैंने ऊपर से फिर डाला था घी, बिकॉज इसमें घी का काम है, घी बहुत ज़्यादा डाला जाता है। तो मैंने पूरा बेसन को डाल दिया है इसमें एंड अच्छे से हमें चलाना है 7 to 10 मिनट तक, और भी धीमी आंच में, ताकि हमारा जो ये बेसन का महक है ना वो निकल जाए। तो अच्छे से मैं चला रही हूँ। तो ये देख सकते हो गाइस, ये हो चुका है। और मैंने चीनी ले लिया, तो चीनी का हमें पाउडर बनाना है। तो ये देखो मैंने पाउडर भी बना लिया, और यहाँ पर इलायची भी है, इलायची को मैंने पूरा दम पीस लिया है। और यहाँ पर है हमारा ड्राई फ्रूट जो मैंने कट कर लिया है। अब हम इसमें पाउडर और सारा कुछ ड्राई फ्रूट अभी ही डाल देंगे, ताकि टेस्ट ज़्यादा बढ़ जाए। तो इसमें मैंने लास्ट में डाला है दूध, बिकॉज दूध नहीं डालेंगे ना तो वो गीला नहीं होगा। तो थोड़ा मैंने दूध डाला है एंड ऊपर से चीनी पाउडर फिर से मिला दिया है, तो ये ठंडा हो जाएगा। देन हमें इसे अपने हिसाब से जितना गोल करना है, जितना छोटा करना है, उस टाइप का लड्डू बना सकते हैं। जैसे कि ये देख लो मैंने बनाया कुछ इस तरह से लड्डू। तो चलो अब मैं इसे अच्छे से सजावट वगैरह करती हूं। गाइस फाइनली लड्डू बना दिया, अब मैं उसमें ना काजू सजा दूंगी। तो इसमें ना काजू सजा दूंगी तो काफी अच्छा लगेगा, ऊपर से काजू दे देंगे तो बाद में देंगे तो नहीं होगा, अभी गीला है तो अभी देना पड़ेगा, फिर उसको हम छोड़ देंगे 1-2 घंटा बाद, तो और ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाएगा। तो कुछ कुछ में मैं छोटा डाल रही हूँ, जो जो छोटा है, जो बड़ा बड़ा है उसमें मैं पूरा 1 काजू डाल दे रही हूँ। घर के लोग खाएंगे, इसमें क्या कंजूसी करना है। हो गया रेडी, तो बताओ कैसी लग रही है आप लोग को हमारी ये लड्डू।
मैंने तो खा लिया और इसका टेस्ट ना काफी मजेदार है, तो आप लोग चाहो तो अपने घर में बना सकते हो। तो सारा दिन हम यही सब कर रहे हैं और अब शाम होने वाली है तो अब हम जाएंगे जिम गाइस। तो जिम में थोड़ा सा वर्कआउट दिखाएंगे एंड नाइट में क्या करेंगे पता नहीं, आप लोग ब्लॉग में बने रहोगे तो ही पता चलेगा आज का सारा दिन कैसे जा रहा है। आप लोग साथ सारा चीज शेयर कर रहे हैं। तो ये बारिश रुका हुआ है, अभी नहीं हो रहा है, अच्छी बात है यार। बारिश देख, बोर हो चुकी हूँ यार बारिश देख देख कर। एंड देन शाम को मैं जिम से आकर हलवा बनाने लगी, तो चलो अब हलवा भी दिखा देती हूँ मैं कैसे बना। सारा चीज मैंने रख लिया है और हलवा ना मैं मॉर्निंग में खाऊंगी, फ्रिज में रात भर रख दूंगी, काफी टेस्ट लगता है। ड्राई फ्रूट को मैं हल्की लाल कर लेके ये कर दूंगी गोल्डन ब्राउन करके। तो मैं हलवा बनाती हूँ ना पूरा दूध का बनाती हूँ, पानी तो देती ही नहीं हूँ। तो सूजी ऊपर से डाल दिया है, इसे मैं धीमी आंच में 15 मिनट तक पकाऊंगी। और यहाँ पर इलायची भी रख लिया, इलायची भी डालूंगी और चीनी भी। तो बहुत ही अच्छे से हमारा हलवा पक रहा है। और ये इसलिए बना रही हूँ ना क्योंकि मॉर्निंग में खाते खाते खाने में मजा आता है। इसको फ्रिज में रख दूंगी रात भर, देन देखना टेस्ट ज्यादा बढ़ जाएगा। और यहाँ पर मैंने रखा है देखो काजू को फ्राई करके, मतलब मेरे भाई को बुद्धि है रख देता है। चावल बचा हुआ है बाद में खाऊंगी, चावल तो वैसे मैं रात को खाती हूँ नहीं। चलो चलो चीनी डाल देते हैं और दूध देखो इतना डालूंगी, पानी एक भी मैंने मिक्स नहीं किया है, पानी नहीं डालूंगी। चलो तो लाल हो चुका है और मैंने दूध डाल दिया और इसका फ्लेम थोड़ा एकदम मीडियम कर देना है ताकि हमारा हलवा जो है पक जाए। तो चलो इसको हम 10 मिनट के बाद उठाएंगे तब और मजा आएगा खाने में। ड्राई फ्रूट डाल दिया, ज्यादा टाइम आगे ना भाई। ये है हलवा सूजी का, सुबह में और मस्त लगेगा देखने में। और ये है तो गाइस रात को खाया था हलवा और मैं ज्यादा नहीं खा रही हूँ अभी, फुल फुल नहीं मतलब थोड़ा थोड़ा डाइटिंग पे हूँ क्योंकि दुर्गा पूजा आने वाला है तो इसीलिए थोड़ा कम ही खा रही हूँ। तो देखा आप लोगों ने, तो ये व्लॉग ना मैंने सुबह होकर कर रही हूँ बिकॉज कल रात को सो गई थी और आप लोगों को पता है कि ठंडी ठंडी मौसम में नींद बहुत अच्छी आती है, जल्दी आ जाती है। तो यहाँ पर आज तो धूप हुआ है और विश्वकर्मा पूजा का तैयारी चल रहा है, ये व्लॉग कल आएगा। तो चलिए गाइस अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आएगा डेली व्लॉग तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।